गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। इन जनरल जितने भी सब्सटेंसेस हैं सब गर्म करने पर लिक्विड में बदलते हैं, मगर कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो गर्म करने पर लिक्विड में ना बदल कर सीधे गैस में बदल जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस सबलिम्स कहलाते हैं और ये प्रोसेस जो है वो सबलिमेशन कहलाती है। तो व्हाट इज सबलिमेशन? द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, एंड ऑन कूलिंग द वेपर्स डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सबलिमेशन। सॉलिड ऑन हीटिंग कन्वर्ट इनटू वेपर और गैस, यानी कि जब हम कोई भी सॉलिड को गर्म करते हैं तो अधिकतर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड होते हैं, गर्म करते हैं तो वो लिक्विड हो जाते हैं, मगर कुछ सब्सटेंस जैसे आयोडीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर, ये ऐसे पदार्थ हैं जो गर्म करने पर सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अधिकांश ठोस गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड में बदल जाते हैं, और यदि द्रव को लगातार गर्म किया जाए, जब वो द्रव में कन्वर्ट हो गया उसको फिर लगातार गर्म किया जाए तो वाष्प में यानी गैस में बदल जाता है। परंतु कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था प्राप्त किए सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तथा जब इन वाष्प को ठंडा किया जाता है तो ये सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं। वाष्प को अगर ठंडा किया जाएगा तो सीधे ये ठोस में बदल जाएंगे। ये प्रक्रिया उद्पातन यानी कि सबलिमेशन कहलाती है। कपूर, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर, ठोस आयोडीन यानी सॉलिड आयोडीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन आदि ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि इनके अणुओं के मध्य अंतराणुक यानी कि इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन बल इतने छीड़ होते हैं यानी इतने वीक होते हैं कि वे गर्म करने पर इनके क्वथनांक वॉल्यूम पॉइंट से भी कम हो जाते हैं, तो पदार्थ ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट इसमें सबलिमेशन ऑफ आयोडीन, जब हम आयोडीन को गर्म करते हैं ठोस आयोडीन, वहाँ पर फनल को उल्टा करके लगा देते हैं, उसमें कॉटन लगा देते हैं, तो ये जब गर्म करते हैं तो ये इसमें ठोस यानी सॉलिड के रूप में ये कपूर, नौसादर, आयोडीन आदि के शोधन तथा पृथक्करण उत्पादन पर आधारित है। चीनी की प्याली, चाइना डिश में थोड़ा सा आयोडीन या अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर, अमोनियम क्लोराइड नौसादर ले लेते हैं, एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख देते हैं, ये कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख देते हैं, तथा इस कीप के खुले सिरे को रुई के टुकड़े से बंद कर देते हैं। यहाँ पर ये खुला सिरा जो है वो रुई से ढक देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं,
स्टैंड पर जाली रखते हैं तथा प्याली और कीप को जाली पर रख देते हैं। प्याली को बर्नर से गर्म करते हैं तथा इसका परीक्षण करते हैं। परीक्षण में क्या पाया जाता है कि आयोडीन की बैंगनी रंग की बाश बनती है। आयोडीन, चूँकि हम यहाँ पर हमने आयोडीन लिया है, इसलिए इसकी बाश कैसी बनेगी, बैंगनी रंग की बाश बनेगी। और जो ठोस में संग्रहित होकर कीप की भीतरी दीवार से चिपक जाती है, ये आयोडीन की जो बाष्प है वो बैंगनी रंग की है। इसी तरह से जब हम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को गर्म करते हैं तो सफ़ेद रंग की जल वाष्प, यानी कि यहाँ पर सफ़ेद रंग की वाष्प बनती है। जब हम नवसादर को गर्म करते हैं तो सफ़ेद रंग की वाष्प बनती है, जो सफ़ेद ठोस के रूप में संघनित होकर कीप की दीवार से चिपक जाती है। तो आयोडीन की पहचान, जब आयोडीन को मैंने गर्म किया तो उसका बैंगनी रंग की वाष्प इकट्ठा हुई और बाद में जो संघनित होकर ठोस बन गई। इसी तरह से जब हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो इसकी जल वाष्प जो है वो सफ़ेद रंग की है और ठंडी होकर ये ठोस में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह जब हम इसका सबसे अच्छा उदाहरण, जब हम अपने घरों में ऊनी और रेशमी कपड़ों में नेफ्थलीन की गोलियां रख देते हैं तो वो एक समय के बाद वो ठोस जो गोलियां हैं वो गैस के रूप में बदल जाती हैं और वो गोलियां जो हैं वो गायब हो जाती हैं। तो यहाँ पर से नेफ्थलीन का जो है वो सब्लिमेशन होता रहता है। जैसे जब हम घर पर ऊनी तथा छिलकी वस्त्रों में नेफ्थलीन की गोलियां रखते हैं तो ये बिना कोई अवशेष ठोस पदार्थ छोड़े अदृश्य हो जाती हैं, क्योंकि नेफ्थलीन की गोलियों का धीरे धीरे ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन होता रहता है। नेफ्थलीन की टेबलेट्स का सब्लिमेशन हो जाता है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सब्लिमेशन की प्रोसेस ये कुछ सब्सटेंसेस में पाई जाती है। वो सब्सटेंस कौन कौन से हैं, कपूर, कैम्फर, आयोडीन, एंथ्रासीन और नेफ्थलीन। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जिनमें सब्लिमेशन की प्रक्रिया होती है और ये सब्लिम्स कहलाते हैं। थैंक यू।